लिए खड़ा रहे ताकि विचार चल। बात कर रहे हैं यूपीए के कार्यकाल में आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने का गौरव अपना बतलाते हैं। वो भी असम से प्रतिनिधि थे, लेकिन असम का प्रतिनिधित्व आज पहली बार रायबरेली के लिए फला है, इसलिए रायबरेली की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। रामेश्वर जी जब चिंता कर रहे थे कि दीदी 1978 से किराए की जगह पर चल रही है व्यवस्था, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं। मैंने कहा रामेश्वर जी आप तो कामगारों के लिए डिस्पेंसरी का काम कर रहे हैं, यहां पर तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 लाख परिवारों को जीवन में उनकी पहली बार शौचालय बना कर दिया है। लोगों की ये कल्पना से परे था कि रायबरेली में 5 लाख परिवार, प्रत्येक परिवार में 4 नहीं अगर 3 भी आप पकड़ लीजिए सदस्य, तो रायबरेली में 15 लाख नागरिकों की दिन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। 15 लाख नागरिकों के पास अपने घर का टॉयलेट तक नहीं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को जब अभिनंदन की बौछार दे रहे हैं हम, तो ये कहना चाहते कि जो टॉयलेट नहीं बना पाए वो यूपी बनाने की बात करते हैं। इसलिए आज इस मंच से आपका स्वागत एवं अभिनंदन। श्रमिकों के लिए कार्ड बने ऐसे आपने आग्रह किया है, मैं आश्वस्त हूं कि जिला और प्रदेश प्रशासन आपने जो मापदंड दिया है, आपने जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य की पूर्ति निश्चित रूप से पूर्ण निष्ठा से करेगा। एक बार फिर आज 1978 से किराए के इलाके में चलने वाले ईएसआई को आपने एक संपूर्ण भवन निर्मित करके दिया है, उसके लिए आपका, डीजी भाटिया साहब का, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हर प्रतिनिधि, हर सेवक का, सेविका का